अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शामिल खान। मेरे साथ मौजूद हैं कैक्टस एंड हर्ब्स के तनवीर सिद्दीकी साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं दारिम हाउस ऑफ प्लांट के इमरान खान साहब। तो आज हम मौजूद हैं बुखारी पार्क में, इनका फिफ्थ एनुअल फ्लावर शो है। ये स्टार्ट हो गया है, आई थिंक 3rd of March से स्टार्ट हुआ है। आज सैटरडे का दिन है, तो बैठे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। हमने सोचा फारिग टाइम में कुछ गपशप हो जाए, अपने व्यूवर्स के साथ हम कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर लें रिगार्डिंग ऑनलाइन सेल्स, रिगार्डिंग एग्जीबिशंस, रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, रिगार्डिंग हॉबी, प्लांटेशन, क्राफ्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये कोई ऑफिशियल कोई स्क्रिप्टेड हमारा वीडियो नहीं है, ये बस ऐसे ही रैंडम हम लोग फारिग बैठे थे, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ कंटेंट बनाया जाए जो हम अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करें। तो तनवीर साहब, कैसा आपका एक्सपीरियंस जा रहा है? सबसे पहले तो आप मुझे बताएं, एके खान में जो हमने इससे पहले एग्जीबिशन अभी फिनिश करके यहाँ पहुँचे हैं, आपका वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ का तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, और ये कि सेकेंड टाइम हमने साथ मिलकर लगाई थी, पिछले साल आप भी थे साथ, तो हमने भी, तो इस साल अच्छा रिस्पॉन्स रहा पिछले साल की बनिस्बत, और लोगों का रश भी काफ़ी रहा, और प्लांट्स भी हमने, और इस दफ़ा तो हमने जो है हमारा जो स्टॉल था आपने देखा था कितनी वैरायटी थी उसके अंदर, क्या क्या चीज़ें थी। कैक्टस के अलावा भी हमने जो है चीज़ें, और ये जो है मतलब एक स्टॉल में हमने काफ़ी क्रिएटिव आइटम इतने ज़्यादा रख लिए थे कि आपको किसी भी स्टॉल के अंदर इतना सारा आइटम जो है ना वो अवेलेबल नहीं था। सब मोस्टली ज़्यादातर डेडिकेटेड स्टॉल्स होते हैं, तो हमारे पास बड़ी वैरायटी थी। आप बताएं इमरान साहब, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा एके खान पार्क का, फिर हम बात करेंगे बुखारी के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, जहाँ तक आपकी जो एग्ज़िबिशन के हवाले से बात है, लास्ट ईयर जो हमारी जॉइंट एग्ज़िबिशन थी, उसमें जो अभी तनवीर भाई ने बात की बिल्कुल सही कही कि वहाँ पर मल्टीपल हमारे पास आइटम थे, ऐसी चीज़ें कि जो कस्टमर्स हमारे पास आता था वो खाली हाथ नहीं जाता था। और दूसरे सेकेंडली सबसे बड़ा इशू था कि वहाँ पर जो प्राइसिंग थी, मेरे ख्याल में हमारे जो व्यूवर्स हैं और हमारे जो कस्टमर्स थे वो हमारी प्राइसिंग से बहुत ज़्यादा मतलब के इंस्पायर थे कि यार इनके प्राइस जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छे प्राइस हैं, और जिस प्राइस में हम दे रहे थे नो डाउट वो प्राइस बहुत अच्छे थे और बहुत आला प्राइस थे। अच्छा, इस बार जो लास्ट जो एग्जीबिशन हमारी गुजरी है उसमें भी तकरीबन यही चीज़ थी कि माशाल्लाह हमारा स्टॉक जो था तकरीबन फिनिश पे था, जो थोड़ा बहुत रह गया था वो इस बार हम यहाँ पर लेके आ गए, और वही चीज़ है तकरीबन ऑलमोस्ट। लेकिन ये कि इस बार वैरायटी जो है एग्जॉटिक ने बड़ी अच्छी वैरायटी इंट्रोड्यूस की मार्केट के अंदर, इससे पहले मतलब कि ये चीज़ें नहीं थी, और सारा जो काम इन्होंने किया माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम था कि लोगों को देखते थे, लोग तो बोलते थे तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकते थे, एक सिंपल सा वर्ड है कि तारीफ़ किए बगैर नहीं रहते थे कि यार इतनी ज़बरदस्त चीज़ें बनाई हैं। अच्छा, दूसरे ये था जो हमारे प्लांट्स थे, तो वो तो प्लांट्स खैर कॉमन प्लांट थे जो मतलब कि मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं, बट ये कि इस बार 2023 में जो एग्जीबिशन, इसमें हमारे पास जो प्लांट थे वो सारे इम्पोर्टेड प्लांट थे, जो शहर एहसान जो है उन्होंने प्लांट्स मार्केट यहाँ लेके आई थी, तो माशाल्लाह ऐसे प्लांट थे कि जो हमने अपनी मतलब अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखे प्लांट, प्राइस बहुत अच्छे थे, प्लांट्स की हेल्थ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे प्लांट्स की हेल्थ बहुत अच्छी थी, कंडीशन बहुत अच्छी थी, तो अच्छा माशाल्लाह से एके खान का हमारा बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा, बहुत अच्छा कस्टमर के साथ जो एक्सपीरियंस वो भी बहुत अच्छा था, अभी जो हुआ है वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, कस्टमर एंगेजमेंट हमारी काफी इंप्रूव हुई है, नए कस्टमर्स मिले हैं, पुराने कस्टमर का कॉन्फिडेंस जो है ना बढ़ा है, क्योंकि हम लोग तो बेसिकली हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं, तो इस बार जब लोगों को हम पता चला कि यार हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम लोगों ने काफी लोगों से अगर परचेसिंग के लिए नहीं लेकिन मिलने आए कि पता तो चले कौन लोग हैं, तो खैर ये बड़ा अच्छा एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। मैं अपने व्यूवर्स में और अपने व्यूवर्स को ये एक बात शेयर कर दूं कि हम जितने भी टीम हैं हम सारे जो लोग हैं वो सब ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन बेस हैं, हमारी कोई नर्सरी नहीं है, हमारा कोई डिस्प्ले सेंटर नहीं है, तो आप हमें तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर सर्च कर सकते हैं, वहाँ हमारी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको डोर स्टेप पर डिलीवरी भी देते हैं। तो ये एग्जीबिशंस होती हैं, साल में एक से दो ऐसे एग्जीबिशंस होती हैं जहाँ पे हम लोग
फुली पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ पे हम बाय फेस अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर सकें, उनसे बात कर सकें और इनको अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकें। ये छोटा सा रिव्यू था हमारा AK खान पार्क में, जो हमने 2023 में एग्जिबिट किया है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। काफ़ी मतलब टायर्डनेस हो गई थी, काफ़ी थकन हो गई थी, बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे वहाँ से अच्छा हमें रिस्पांस मिला। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी जाएंगे वहाँ पे। अभी हम मौजूद हैं यहाँ बुखारी में, उसके फ़ौरन बाद यहाँ बुखारी पार्क DHA फेज 6 में इन्होंने अपना 5th एनुअल फ्लावर शो अरेंज किया है, तो यहाँ पर आ गए। अब कुछ बात कर लेते हैं यहाँ के सेटअप की, यहाँ की अरेंजमेंट की, यहाँ पर जो कस्टमर्स आ रहे हैं, यहाँ पे जो पब्लिक आ रही है उसकी। तो अगर मैं अपना व्यू दूँ तो AK खान चूँकि काफ़ी पुराना है, 72nd आई गेस उन्होंने इस ईयर किया था 2023 में, तो वो तो मोस्ट अवेटेड एग्जीबिशन है पाकिस्तान की कह लें या कराची की। ऐड करूं इसके अंदर 1958 से हो रही है वो एग्जीबिशन, 1958 से वो कंटिन्यूस एवरी ईयर वो एग्जिबिट कर रहे हैं। तो अब ये जो बुखारी पार्क वालों ने किया है, ये इनका 5th एनुअल फ्लावर शो है, तो डेफिनेटली फिर वहां से यहाँ तक का तो सफर उनको टाइम लगेगा तय करते करते, तो उस लेवल पे तो नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ की जो एक पॉजिटिव चीज़ है, जो प्लस पॉइंट है, वो ये कि यहाँ का एनवायरनमेंट माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत अच्छा पार्क है। मतलब फैमिली बच्चों के साथ आ जाएं, अच्छा खासा एंजॉय करेंगे। ये चीज़ वहाँ पे आप AK खान में थोड़ी सी मिसिंग होती है, वहाँ रश बहुत ज़्यादा होता है, स्पेस इतना अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ हमें एज अ स्टॉल होल्डर, एज अ रीसेलर, हमें एक चीज़ का बेनिफिट है कि हमें इतनी थकन नहीं होती, टाइडनेस नहीं होती, फटीग नहीं होती, इजीली हम लोग मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को, स्टॉल को। तो यहाँ पे ये एक आसानी है। बाकी जहाँ तक रहा ताल्लुक कस्टमर्स का, तो कस्टमर्स उस टाइप का नहीं है, उस हिसाब से बायर नहीं है। उसका एक रीज़न ये है कि बैक टू बैक हो रही है, लास्ट वीक में AK खान में हुई, इस उसके वेरी नेक्स्ट वीक में यहाँ पे अगर वो अरेंज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो हमारा कराची का बायर है वो बैक टू बैक एग्जीबिशंस में किस तरीके से इतना बल्क में बाय कर सकता है। और आजकल जो इन्फ्लेशन चल रहा है, जिस तरह की महंगाई चल रही है, हमारे सारे आइटम लग्जेरियस कैटेगरी में आते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स हैं, हॉबीज के लिए होते हैं, तो ये कोई ऐसी नेसेसिटी आइटम नहीं है कि इसके बगैर सर्वाइवल मुश्किल हो जाए। तो हॉबी के ऊपर इतने सख्त हालात में, इतनी सख्त कंडीशंस में कोई कितना इन्वेस्ट कर पाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है पाकिस्तान के हालात जैसे ही बेहतर होते हैं, करेंसी कुछ स्टेबल होती है, तो बिजनेस थोड़ा सा ग्रो होता है, तो इंशाल्लाह जो हॉबीस्ट हैं वो अपने दोबारा से हॉबीज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, तो हमारी भी बिजनेस में थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। तो मैं चाहूँगा तो अपना इमरान साहब से कि वो थोड़ा सा अपना बताएं कि कंपैरेटिव आपका क्या एनालिसिस है AK खान से बुखारी तक का सफ़र जो है वो कैसा रहा है। सर मैं आपकी बात को एंडिट करूँगा, जैसे AK खान पार्क है और सेकंड यहाँ पर फॉर वेरी नया है, तकरीबन 2 से 3 बाद यहाँ पर एग्जीबिशन लगी है, तो कस्टमर जो है लाजमी सी बात है कि इतनी जल्दी फोकस नहीं करता फ़ौरन, थोड़ा सा अगर ये गैप देके की जाती है वीक के बाद, 2 हफ्ते बाद, तो शायद ये अच्छा रिस्पांस मिलता। अभी खैर वो रिस्पांस नहीं है जो AK खान पार्क का रिस्पांस है, बेसिकली वो ट्रेडिंग एग्जीबिशन है, ये है फ्लावर शो है। इसमें हमें CBC ने इनवाइट किया कि आप लोग आएँ यहाँ पर आके अपने स्टॉल्स लगाएं और अपना छोटा मोटा जो बिज़नेस है वो करें। तो खैर हम यहाँ पर आए हैं, आज सेकेंड डे है, इसके अभी 2 दिन बाकी हैं इसके मज़ीद इसमें एग्जिबिट में, तो खैर देखते हैं लेट्स से सर आगे होता क्या है। होपफुल है इंशाल्लाह, अभी आजकल कराची का मौसम भी आप देख रहे हैं किस कदर गर्म मौसम है, यहाँ की सुबह यहाँ की शामें बड़ी डिफरेंट है। बाय चांस मतलब आप देख लें कितने किलोमीटर का डिस्टेंस होगा AK खान पार्क से बुखारी पार्क में। सर वहाँ हम 4 दिन रहे, इतनी हीट नहीं थी, इतनी गर्मी नहीं थी, लेकिन सबसे पहला सवाल ये यार ये कैसे यहाँ पर बैठे हैं आप लोग, इस कदर गर्मी है वहाँ, तो खैर वो तो एक सी विंड्स थी वहाँ पर, वहाँ अलग मजा है, वहाँ तो ये महसूस भी नहीं होता था कि गर्मी सर्दी का बिल्कुल को महसूस नहीं हो रहा था, और बड़ा एक तो फोकस हमारा ज्यादातर वहाँ कस्टमर्स माशाल्लाह इतने थे और इतना मतलब रश बिजी रह रहे थे, इतने बिजी थे हमें इस तरफ का ध्यान भी नहीं गया। अभी यहाँ पर आए हैं तो यहाँ कुछ मतलब जो सराउंडिंग अभी दिखाएंगे आपको, तो उससे आपको एक माहौल के अंदर अपना वो महसूस होगा कि हाँ चलो
क्या कहते हैं कि ग्रीनरी है, ग्रीनरी है यहाँ पर। जैसा भी नदीम भाई ने बताया कि यहाँ का जो एटमोसफेयर है नो डाउट बहुत अच्छा है। पार्क है, बकायदा एक सीबीसी का बनाया हुआ पार्क है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत। और अरेंजमेंट जो है वो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन किया है अरेंजमेंट ने। अरेंजमेंट के हवाले से तो सर ये बेहतरीन है, बड़ा खूबसूरत है, मतलब हर तरह का कलर आपको मिलेगा यहाँ पर ना। एज अ फ्लावर शो आई थिंक कराची का वन ऑफ द बेस्ट फ्लावर शो अगर मैं कहूँ तो ये बुखारी पार्क का, जिस तरह का डिस्प्ले है, जिस तरह के कलर्स हैं, तो अगर आप फ्लावर शो अटेंड करने के लिए आ रहे हैं तो दिस इज द परफेक्ट प्लेस इन कराची। लेकिन अगर आप बाइंग मूड से आ रहे हैं, अगर आपको एज अ प्लांट होबियस्ट आपने ये बाइंग करनी है, तो आई थिंक एके खान इज द बेस्ट प्लेस। तनवीर साहब आप बताएं आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, आप क्या हमारे व्यूवर्स को सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या कंपैरेटिवली एनालिसिस है आपका एके खान पार्क और बुखारी पार्क का? आपने और जैसे इमरान भाई ने कहा उसी को लेके मैं आगे बढ़ता हूँ कि जी, तो ये यहाँ पे बुखारी और इसका यही है डिफरेंस कि वहाँ पे जो है ज़्यादा जो है रश भी था और ज़्यादा लोग भी आ रहे थे वहाँ पे बाइंग के लिए, जैसे आपने कहा। और यहाँ का एनवायरनमेंट मोस्टली अच्छा है, लेकिन शाम में सही हो जाता है। अभी तो दोपहर में गर्मी है, लेकिन शाम में जो है लोग भी आएंगे और फिर बाइंग वगैरह होगी इंशाल्लाह। तो एनवायरनमेंट तो यहाँ का आपने जैसा कहा कि इन्होंने बड़ा अच्छा डेकोरेट किया है। फ्लावर्स को आप देखें, जगह जगह इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के फ्लावर जो अभी बहार के और सर्दियों के फ्लावर्स हैं उसको बहुत अच्छा डेकोरेट किया। और पार्क वैसे ही बहुत साफ सुथरा है यहाँ DHA का हम देखा, तो एनवायरनमेंट जो है अच्छा है वहाँ से अपना सी व्यू से, तो जाहिर सी बात एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा है इसका। लेकिन ये कि बाइंग के लिहाज से थोड़ा कम है कि वो चीज़ नहीं है, लेकिन अच्छा रहा यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस। और जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट भी, असल में इसको लगे हुए अभी 5 साल हुए, पिछले गुज़िश्ता 5 सालों से लगा रहे हैं। और वो जो है एक एक्यू खान पार्क में उसको जी 72 ईयर्स हो गए उसको, तो जाहिर सी बात है उसको इसमें बहुत फर्क है। तनवीर भाई की बात में एक चीज मैं और ऐड करूं कि इनकी जो मार्केटिंग है ना CBC की वो बहुत वीक है। जिस तरीके से एके खान पार्क में हॉर्टिकल्चर वाले मार्केटिंग करते हैं उसकी मार्केटिंग में और इनकी मार्केटिंग में बहुत फ़र्क है। इन्होंने पब्लिसिटी जो है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, आई थिंक जैसे 3 तारीख से शुरू हुई है, तो 2 तारीख को मैंने इनके बैनर्स वगैरह लगे हुए कुछ जगहों पे देखे, वो भी सिर्फ DHA के अंदर कंट्रोल। इसके अलावा मैंने कहीं नहीं देखे, ना इनकी सोशल मीडिया के ऊपर कोई ऐसी पब्लिसिटी है। ये तो जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्होंने अपने थ्रू काफ़ी इसकी पब्लिसिटी की है, जिस पे थोड़ा बहुत कस्टमर यहाँ पर आया है। अदरवाइज CBC ने पब्लिसिटी के हवाले से तो मैं समझता हूँ जीरो है, इन्होंने कोई मार्केटिंग नहीं। अच्छा बताएं, आप बताएं इनकी मार्केटिंग, बुखारी वाले की मार्केटिंग में आपको कोई? जाहिर सी बात है इनको अभी असल में जो देखें वहाँ पे CBU पे हुआ था उसको 72 ईयर्स हो गए, उनको अब मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। उनको हर एक जो जो प्लांट का लवर है, जो इस तरह के हैं गार्डन लवर है, उनको पता होता है कि साल में लगनी है इन तारीखों को, तो वो खुद इंतजार करते हैं कि वो खुद पूछते हैं कि कब लगनी है कब लगनी है। एज अ रीसेलर हम कांटेक्ट में रहते हैं कि अभी तक कोई डेट अनाउंस की है नहीं की है, तो जहां तक हॉर्टिकल्चर वालों का एके खान पार्क वालों की मैनेजमेंट है उनको तो एज सच कोई जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है कि वो कोई एफर्ट पुट करें अपनी मार्केटिंग के लिए। लेकिन फिर भी वो बड़ा बड़ा प्रोफेशनल वे में काम करते हैं जी जी। उन्होंने अपने बाकायदा बैनर्स डिजाइन किए, उन्होंने तमाम जो स्टॉल होल्डर्स हैं उनको दिया, फिर हम लोगों ने उनके बैनर्स को आगे थ्रो किया अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर। उन्होंने फिर भी एक प्रोफेशनल सोसाइटी है उनकी, जिस तरह करते हैं उनकी हर साल बुक्स एक निकलती है। जहां तक बात है बुखारी की, तो टू बी वेरी हॉनेस्ट, जब हमने यहाँ स्टॉल सेटअप कर रहे थे तो जो यहाँ का पार्क का रेगुलर डेली का विजिटर है वो भी आके हमसे पूछ रहा था कि भाई यह हो क्या रहा है, ये आप लोग क्या कर रहे हैं। मतलब जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको भी नहीं मालूम, जो डेली के विजिटर्स हैं उनको भी नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। तो मतलब आप इससे आइडिया लगा लेंगे ये CBC की जो एनुअल 5th फ्लावर शो है उसकी मार्केटिंग का लेवल क्या होगा। इवन वन मोर थिंग मैं अगर आपको बताऊं कि हम एज अ रीसेलर स्टॉल होल्डर, हमें ये बताया गया था कि भाई 2nd से 5th का जो है वो टाइमलाइन है। लाइक आपने थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ये 4 डेज का फ्लावर शो होगा,
बट एट द लास्ट मोमेंट हमें पता चला कि जनाब इन्होंने डेट चेंज कर दी है और वो सेकंड के बजाय थर्ड हो गया है, और जो फ्लावर शो का लास्ट डे है वो संडे नहीं है, मंडे है। तो थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट का मुझे कुछ फैक्टर यहाँ पे नजर आता है। सेकंडली यहाँ पे मार्केटिंग तो बिल्कुल जीरो है। लाइक अगर आप यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स को ये इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे तो पूरा कराची को कहाँ से पता चलेगा, तो पब्लिक आएगी किस तरीके से। जी। तो मैं चाहूंगा, ये एक मेरी छोटी सी सजेशन है बुखारी पार्क वालों को, बुखारी पार्क के मैनेजमेंट को, कि थोड़ा सा सीबीसी के थोड़ा सा मार्केटिंग की तरफ तवज्जो दे दें। और एक और अगर मेरी बात इनके मैनेजमेंट तक पहुंच सके तो अगर कोशिश करें कि ये ए के खान की एग्जीबिशन से एक वीक पहले कर लें, वो ज्यादा बेटर है। उससे ज्यादा बेटर है कि लोग पहले आके आपके एग्जीबिशन को अटेंड कर लें और उसके बाद वो ए के खान पे जाएं, तो वो ज्यादा कन्वीनियंट होगा। अदरवाइज मेजॉरिटी वहाँ आके ऑलरेडी सारी चीजें देख चुकी होती है। यहाँ पे ऐसा को हम नया तो लेके नहीं आ रहे, जो भी कुछ हमने नया लेके आना है, जो पूरा साल हम चीजें बना रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं, वो हमने एक ही खान में रखनी है। और वहाँ तमाम मोस्टली कराची का विजिटर्स विजिट करके चले जाते हैं, तो अभी वो बुखारी पार्क में आके क्या देखेगा। तो इनके लिए एक मैं दो सजेशन देना चाहूंगा कि एक तो कोशिश करें कि एक ही खान से पहले कर ली जाए, और सेकेंडली जो मार्केटिंग है उस पर थोड़ा फोकस कर लें। अगर मार्केटिंग में इश्यूज हैं, बजट के इश्यूज हैं, तो अगर आप तमाम स्टॉल होल्डर्स से डिस्कस करें तो लाइक हम एज एग्जॉटिक प्लांट्स या एग्जोन वाले जो हैं वो आपको ये फ्री सर्विस देने को तैयार हैं कि हम आपकी मार्केटिंग कर देंगे, बट हमें पहले से टाइमलाइन बता दी जाए। तो एक महीना पहले अगर हम मार्केटिंग करें तो एटलीस्ट लोगों को पता हो कि उनको कहाँ कब कैसे स्केड्यूल करना है अपने विजिट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।